हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म पर बात करेंगे उस फिल्म का नाम है सिद्धार्थ राय। दोस्तों, अगर आप सिद्धार्थ राय मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सिद्धार्थ राय मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में बताऊँगा। इसके अलावा आज इस वीडियो में मैं आपको फिल्म का एक रिव्यू भी दूंगा, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप 10 मिनट की ये हमारी वीडियो देख लेंगे तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अगर आप मूवीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो मूवीज़ ओल्ड हों या अपकमिंग मूवीज़ हों, तो फिर इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं सिद्धार्थ मूवी की आपको इन्फॉर्मेशन देने की तरफ। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशा सूई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नंदिनी यला रेड्डी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सेठी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रज्जा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक, एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने किया उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पोडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वह 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया, मीन रिलीज़ किया गया, वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, सिद्धार्थ राय जो हैं कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर्गलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीद
में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड्स रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजू किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मोविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सरदार राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। ये मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लैटिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लैटिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामवा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टूडेंट की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर ने अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सरदार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है। इसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें तो इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सरदार राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर ACP प्रधोवी कल्याणी नटराजन सरदार राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेड्डी कीर्तना शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ CVL नरसुमार
बतौर डॉक्टर रमना गोपी सेटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण, श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रज्जा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक, एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी। राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो हैं इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूज़िक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सरदार राय है एक कौन शख्सियत हैं इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सरदार राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सरदार राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में। एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर्गलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीत में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजू किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सरदार राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। ये मगर भी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स
में भी ये अपने कारनामे में सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस योरगोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलातों के लिए मशहूर हैं। पश्चिमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी हैं, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ़ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टूडेंट की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोहम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज़ बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सरदार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें तो इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सरदार राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यो विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नटराजन सरदार राय की मां के तौर पर, नंदिनी यला रेड्डी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रज्जा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो हैं इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज, और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाग्राफी जिसने किया उनका नाम है श्याम के नायडू, एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पोडी, म्यूज़िक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान, और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स, और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सरदार राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सरदार राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सरदार राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट
डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर ग्लेन ऑफ इंडिया के साबिक सदर छः म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीत में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजू किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मोविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सरदार राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ़ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है और राय कपूर ने नोम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सरदार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है। इसे वी यशा सूई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें तो इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वीर नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे जबकि अंत सरदार राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर ACP प्रधोवी कल्याणी
नटराजन सरदार्थ रॉय की मां के तौर पर, नंदिनी यला रेड्डी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी, वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रिचा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूज़िक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सरदार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सरदार्थ राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सरदार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में। एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर्गलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीत में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सरदार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सरदार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं जो मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं।
इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज़ हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस योरगोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलातों के लिए मशहूर हैं। पश्चिमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतना टीम कत्तिक और खताकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ़ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। इधर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सरदार राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है। इसे वी यशा सूई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें तो इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सरदार राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नटराजन सरदार राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सेठी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रिचा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी। राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सरदार राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ।
दोस्तों सिद्धार्थ राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सरगलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी रेफरी में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं, बशमूल बाल रूम लैतिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतना टीन खतक और खताकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लैतिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतना टीम कत्तिक और खताकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी हैं, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नॉम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशा सूई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें तो इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधू तन्वी नेगी बतौर ई
अधूहुमती उगू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर एसीपी प्रधोवी, कल्याणी नटराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नंदिनी यला रेड्डी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी, वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रज्जा कोंडा अधूहुमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी। राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पोडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो जो सिद्धार्थ राय जो हैं कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर ग्लेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी रफरी में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। ये मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं, बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतना टीन खतक और खताकली वो साम
और रोबी आर1 की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ़ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस योरगोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर है। पश्चिमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतना टीम कत्तिक और खताकली वो साम और रूबी आर1 की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। इधर राय कपूर ने अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सरदार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है। इसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें तो इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सरदार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यू विर्गीज बतौर एसीपी प्रधोवी, कल्याणी नटराजन सरदार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेड्डी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सेठी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रज्जा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी। राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पोडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड वेनिन क्रिएटर्स
और इस मूवी की जो रिलीज़ डेट है वह 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया, मीन रिलीज़ किया गया, वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है, एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सिद्धार्थ राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर ग्लेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीत में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज़ भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड इंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं, तो सिद्धार्थ राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं, बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज़ हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सिद्धार्थ राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामवा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर ने अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है। इसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक
सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार तो रॉय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सरदार तो रॉय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यू विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नटराजन सरदार रॉय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी खीर तना, शु कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रचा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो हैं इस मूवी के उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पोडी। म्यूज़िक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वह 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सरदार तरह है एक कौन शख्सियत हैं इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों सरदार तरह है जो हैं कपूर, इनका मुकम्मल नाम सरदार तरह कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर ग्लेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीत में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज़ भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मोविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सरदार राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर
के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं, बशमूल बाल रूम लैतिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतना टीन खतक और खताकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारिफ कराया गया है। राय कपूर तीन भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लैतिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतना टीम कत्थक और खताकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारिफ कराया गया है। राय कपूर तीन भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर ने अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सरदार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है। इसे वी यशा सूई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सरदार राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर एसीपी प्रधोवी, कल्याणी नटराजन सरदार राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी खीर तना, शिव कुमार यंदा मोरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सेठी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रज्जा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी यशावी। राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू।
एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी, म्यूज़िक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान, और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स, और इससे मूवी की जो रिलीज डेट है वह 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सरदार राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों सरदार राय जो हैं कपूर, इनका मुकम्मल नाम सरदार राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर ग्लेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीद में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज़ भी इनको हासिल है, और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सरदार राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारिफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज़ हासिल है, और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारिफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टूडेंट की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज़ बम्बई में एक्टर एंड
कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सिद्धार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशा सूई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। यह फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सिद्धार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सिद्धार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर एसीपी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सिद्धार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेड्डी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रिचा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो हैं इस मूवी के उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पोडी। म्यूज़िक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वह 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सिद्धार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सिद्धार्थ राय जो हैं कपूर, इनका मुकम्मल नाम सिद्धार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर ग्लेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी रफरी में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड्स रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मधु किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मोविनिक मेज
में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सरदार राय कपूर बम्बई, मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर है। बशमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारिफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टूडेंट की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर ने अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सरदार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सरदार राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर एसीपी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सरदार राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी कीर्तना, शू कुमार यंदा मोरी, वीर यंदर नाथ सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सेठी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रज्जा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका।
इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पोडी। म्यूज़िक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सरदार राय है एक कौन शख्सियत हैं इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों सरदार राय जो हैं कपूर, इनका मुकम्मल नाम सरदार राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर्गलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरी में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सरदार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजू किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सरदार राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं जो मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारिफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह से भारत में सामवा रक्स की को मुतारफ़ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर।
और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोहम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। केरियर राय कपूर ने अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सरदार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है। इसे वी यशा सूई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। यह फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सरदार राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर एसीपी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सरदार राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी, वीर यंदर नाथ सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रज्जा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जिसने किया उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सरदार राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों सरदार राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सरदार राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर्गलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीद में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन
भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और एम ए एम आई के लिए मौजू किया गया था, वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मोविनिक मेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सरदार राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। ये मगर भी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं, बशमूल बाल रूम लैतिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लैतिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर ने अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सरदार राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें तो इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार राय के रोल में आपको नजर आएंगे, सुधू तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उदू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सरदार राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सरदार राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेड्डी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे, भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रच्चा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था, तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें
तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी, राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाग्राफी जिसने किया उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सरदार राय है एक कौन शख्सियत हैं इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सरदार राय जो है कपूर, इनका मुकम्मल नाम सरदार राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर्गलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीत में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। दी इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सरदार राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। ये मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं बशमूल बाल रूम लैतिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लैतिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी हैं।
जिसकी वजह से भारत में सामवा रक्स की को मुतारफ़ कराया गया है। राय कपूर तीन भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट इंडियन की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सरदार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है। इसे वी यशा सूई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सरदार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नटराजन सरदार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेड्डी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी, वीर यंदर नाथ सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सेठी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रज्जा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी। राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी का उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाग्राफी जिसने किया उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पोडी। म्यूज़िक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सरदार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सरदार्थ राय जो हैं कपूर, इनका मुकम्मल नाम सरदार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर्गलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीत में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40
कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजू किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मोविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सरदार राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। वे मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लैटिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लैटिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतनाट्यम कथक और कथकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामवा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सरदार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है। इसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सरदार राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मैथ्यू विर्गीज बतौर ACP प्रधोवी, कल्याणी नटराजन सरदार राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ, CVL नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रिचा कोंडा
अधोहूमती की माँ के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक, एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी। राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी के उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पूडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस। इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इससे मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सरदार राय है एक कौन शख्सियत हैं इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सरदार राय जो है कपूर इनका मुकम्मल नाम सरदार राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सरगलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीद में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा सी टू के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सरदार राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। ये मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतना टीन खतक और खताकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर
कि यहाँ पैदा हुए जो एक मिस इंडिया और डांस योरगोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलातों के लिए मशहूर है। पश्चिमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतना टीम कत्तिक और खताकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी हैं, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ़ कराया गया है। राय कपूर तीन भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। इधर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सरदार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसे वी यशासुई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तन्वी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें दोस्तों, इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार्थ राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तन्वी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सरदार्थ राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यू विर्गीज बतौर ए सी पी प्रधोवी, कल्याणी नडराजन सरदार्थ राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मुरी वीर यंदर नाथ, सी वी एल नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी, जिया श्री रिचा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी वी यशावी। राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो है इस मूवी के उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज, और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पोडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान, और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस, इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो है 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सरदार्थ राय है एक कौन शख्सियत हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो सो सरदार्थ राय जो हैं कपूर, इनका मुकम्मल नाम सरदार्थ राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में, और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सरगलेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं।
इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी तफरीद में सरफरस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मौजूद किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सरदार राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। ये मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं, बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतना टीन खतक और खताकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारफ़ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर है। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतना टीम कत्तिक और खताकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोहम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। सरदार्थ राय 2024 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है। इसे वी यशा सूई ने लिखा और हिदायतकारी की। इस फिल्म में दीपक सरोज और तनवी नेगी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। अगर कास्टिंग की बात कर लें तो इस मूवी में दीपक सरोज बतौर सरदार राय के रोल में आपको नजर आएंगे। सुधु तनवी नेगी बतौर ई अधु हुमती उडू के रोल में नजर आएंगे, जबकि अंत सरदार राय के वालिद के तौर पर नजर आएंगे। मेथ्यू विर्गीज बतौर ACP परधोवी, कल्याणी नडराजन सरदार राय की मां के तौर पर, नदनी यला रेडी कीर्तना, शिव कुमार यंदा मोरी वीर यंदर
नाथ CVL नरसुमार बतौर डॉक्टर रमना गोपी सिटी के रोल में आपको नजर आएंगे। भूषण कल्याण श्रीनिवास वाजपेयी जिया श्री रज्जा कोंडा अधुहूमती की मां के तौर पर नजर आएंगे। अगर मौसीकी की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर राधान ने तरतीब दिया था। तमाम मौसीकी राधान ने तरतीब दी थी। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है वी यशावी। राइटर भी यही है और प्रोड्यूस करने वाले जो हैं इस मूवी के उनका नाम है जाया अध्यापका। इस मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उनका नाम है दीपक सरोज। और इसके अलावा जो इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है उनका नाम है तन्वी नेगी। इस मूवी की सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है श्याम के नायडू। एडिट जिसने किया उनका नाम है दोस्तों परवीन पोडी। म्यूजिक जिसने दिए उनका नाम है रद्धान। और प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है जी श्री राधा दमदार स्टूडियोस। इसके साथ विधान एंड विनिन क्रिएटर्स। और इस मूवी की जो रिलीज डेट है वह 30 फरवरी 2024। और इस जो मूवी को शूट किया गया मीन रिलीज़ किया गया वो तेलुगु ज़बान में रिलीज़ किया गया। अब ये जो सरदार राय है एक कौन शख्सियत हैं इनके ऊपर फिल्में बनाई गई है अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो जो सरदार राय जो हैं कपूर इनका मुकम्मल नाम सरदार राय कपूर है। इनकी पैदाइश जो है ना हुई थी 12 अगस्त 1974 में। और एक हिंदुस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर राय कपूर फिल्म के बानी हैं। वो वॉलेट डर्नी कंपनी इंडिया के साबिक मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर सर ग्लेड ऑफ इंडिया के साबिक सदर 6 म्याद के भी रह चुके हैं। इन्होंने मुसलसल 7 साल 2017 से 2023 तक आलमी रेफरी में सरफरिस्त 562 अफराद की वारंटी की सालाना फहरिस्त में शामिल इनको किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के टॉप 40 इंडियन बिजनेस लीडर्स और 40 कारकुन बनने के एजाज़ भी इनको हासिल है। और हॉलीवुड रिपोर्टर नेक्स्ट जनरेशन एशिया नौजवान रहनुमाओं की इफ्तिताही क्लास 2023 में सिद्धार्थ को बावकार एकेडमी ऑफ मोशन पैकेज आर्ट्स एंड साइंसेस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के शरीक चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा C2 के मैनेजमेंट ट्रस्टी और MAMI के लिए मधु किया गया था। वो बम्बई एकेडमी ऑफ दी मूविनिक इमेज में भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी तालीम और इनकी तालीम के बारे में बात करते हैं तो सरदार राय कपूर बम्बई मौजूदा बम्बई में 2 अगस्त 1974 को कमोद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए जो एक साबिक मिस इंडिया और डांस कोरियोग्राफर हैं। ये मगरबी रक्स की शक्लों में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। बशमूल बाल रूम लातीनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्ल ने बशमूल भरतना टीन खतक और खताकली वो साम और रोबी आरवन की बेटी है जिसकी वजह भारत में संभा रक्स को मुतारिफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अदाकार कनाल राय कपूर और आदित्य राय कपूर हैं। इन्हें मैनेजमेंट स्टैंड्स में मास्टर डिग्री की एजाज़ हासिल है। और इसके अलावा राय कपूर ने संडनम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। फिर जमुना लाल
बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीट्स में भी ये अपने कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सरदार राय कपूर 2 अगस्त 1974 को कुमाद राय कपूर और सलूम राय कपूर के यहाँ पैदा हुए, जो एक मिस इंडिया और डांस योरगोग्राफर हैं, जो मगरबी रक्स की शक्ल में अपनी सलाहतों के लिए मशहूर हैं। पश्चिमूल बाल रूम लातिनी अमरीकी टेप और हिंदुस्तानी रक्स की शक्लें बशमूल भरतना टीम कत्तिक और खताकली वो साम और रूबी आरवन की बेटी है, जिसकी वजह से भारत में सामबा रक्स की को मुतारफ कराया गया है। राय कपूर 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई का नाम है जो अदाकार हैं राय कपूर और आदित्य राय कपूर, और इसे मैनेजमेंट स्टूडेंट की डिग्री भी हासिल है। और राय कपूर ने नोम कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की, फिर जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से तालीम हासिल की। कैरियर राय कपूर ने अपने कैरियर का आगाज बम्बई में एक्टर एंड कैम्बल से ब्रांड मैनेजमेंट में शुरू किया। Thank you.